कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि हम किसी के साथ बैठे हैं, किसी स्थान पर जाते हैं, किसी से बात करते हैं या कोई कार्य कर रहे हैं, तो एक पल के लिए हम सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा हमारे साथ पहले भी हो चुका है। तो क्या ये सब हम पहले सपने में देख चुके होते हैं या यह समय का चक्र है जो घूम कर वापस आता है? गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि शरीर खत्म हो जाता है और आत्मा अमर और अविनाशी है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त करती है। तो क्या हम मरकर दोबारा जन्म लेते हैं? ऐसा ही जाना त्रेता युग में भगवान हनुमान ने भी। बजरंग बली हमेशा भगवान राम के साथ उनके छोटे भाई की तरह रहते थे। एक बार श्री राम जान गए कि अब उनका धरती से जाने का समय आ गया है, क्योंकि इस धरती पर जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। परंतु मृत्यु के देवता यम भी उन्हें अपने साथ ले जाने से डरते थे, और श्री राम भी जानते थे कि यदि ऐसा हुआ तो हनुमान धरती पर कोहराम मचा देंगे। इसलिए श्री राम जी ने अपनी अंगूठी फर्श की दरार में गिरा दी और हनुमान जी को ढूंढ कर लाने का आदेश दिया। क्योंकि हनुमान जी श्री राम की हर आज्ञा का पालन करते थे, इसलिए फर्श की दरार में जाने के लिए उन्होंने अपना आकार छोटा किया और अंदर चले गए। मगर यह दरार तो एक सुरंग थी जो सीधा नागलोक तक जाती थी। वहां पहुंचने पर हनुमान जी नागों के राजा वासुकी से मिले। जब राजा वासुकी ने उनके आने का कारण पूछा तो वो बोले कि मेरे श्री राम की अंगूठी यहाँ गिर गई है, मैं उसे ढूंढने आया हूँ, क्या आप बता सकते हैं वो कहाँ है? तब वासुकी ने उन्हें एक अंगूठियों का पहाड़ दिखाते हुए कहा कि इधर आपको आपके राम की अंगूठी मिल जाएगी। हनुमान जी परेशान हो गए कि इतने बड़े अंगूठियों के ढेर में से मैं मेरे श्री राम की अंगूठी कैसे ढूंढ पाऊंगा। सौभाग्य से हनुमान जी ने जो पहली अंगूठी उठाई वही श्री राम की थी। वो प्रसन्न हो गए। तभी उन्होंने दूसरी अंगूठी उठाई, वो भी श्री राम की ही थी। तब उन्होंने ढेर को देखा और जाना कि ये सभी अंगूठियां श्री राम की ही हैं। ये सब क्या है, उन्होंने वासुकी जी से पूछा। वासुकी जी मुस्कुराए और बोले, हे महावीर, पृथ्वी लोक में जो भी आता है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है। जिस संसार में हम रहते हैं यहाँ पहले सृष्टि होती है फिर विनाश होता है। हर सृष्टि चक्र को कल्प कहा जाता है। हर एक कल्प में चार युग होते हैं, जिन्हें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग कहा जाता है। त्रेता युग में श्री राम जन्म लेते हैं और जब उनकी मृत्यु का समय निकट आता है तो एक वानर उनकी अंगूठी का पीछा करते हुए नागलोक आता है और उधर राम जी की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार हजारों कल्पों से ये अंगूठियां दरार में गिरती रहीं और अंगूठियों का ढेर बनता रहा। वासुकी बोले, हे हनुमान, अभी तो यहाँ भविष्य के रामों की अंगूठियों के लिए भी बहुत जगह है। हनुमान जी समझ गए कि अंगूठियों का दरार में जाना और उसे ढूंढने के लिए भेजना प्रभु श्री राम की ही लीला है। हनुमान जी जान गए कि संसार नष्ट होगा, पुनः बनेगा और उन्हें उनके श्री राम फिर मिल जाएंगे। उसके बाद हनुमान जी कभी अयोध्या लौट कर नहीं गए। तो आज हमने जाना कि किस प्रकार भगवान श्री राम ने धरती को त्यागा और हनुमान जी को नागराज वासुकी द्वारा सृष्टि के किस ज्ञान की प्राप्ति हुई। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लिसन स्टोरियां को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।